ये बात ना आज की है और ना ही कल की, बल्कि ये बात है बहुत पुराने जमाने की। एक खूबसूरत रियासत हुआ करती थी जिसके राजा का नाम था मार्कस। एक दिन राजा मार्कस अपने कमरे में मौजूद एक आईने में खुद को देख रहा था। कितनी जबरदस्त पर्सनैलिटी है मेरी, खूबसूरत चेहरा और ताकतवर शरीर जो राजा को शोभा देता है। मैं अपने सिपाहियों को दुनिया के कोने कोने में भेजूंगा ये देखने के लिए कि कहीं कोई राजा मेरी बराबरी का तो नहीं, राजा ने अपने आप से कहा। ये बस वक्त की बर्बादी होगी और घमंड की निशानी होगी, मुझे इन्हें सबक सिखाना चाहिए। फेरी बॉय ने जादुई मंत्र पढ़ा और अरे नहीं, क्या ये सचमुच हो रहा है? मेरे कान गधे के कान जैसे हो गए हैं। राजा बेहद परेशान हो गया। सिपाही, नाई को हमारे कमरे में अकेले आने को कहा जाए। वहां जो शाही हजाम आया, अरे नहीं, ये तो डरावना है, मैं तो चला यहां से। और राजा के हुक्म के मुताबिक उसे जेल में बंद कर दिया गया। उस शाही हजाम के बाद दूसरे नाई भी राजा को देखते ही डरकर भागे। दूसरे नाई को भी जो राजा को देखकर डर के भागे थे, उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। आखिर में राजा के बुलावे पर ब्रायन नाम का एक नाई हाजिर हुआ। कहिए महाराज, आपका क्या हुक्म है? मेरी बात ध्यान से सुनो, वादा करो कि अब तुम जो देखने जा रहे हो उसका जिक्र कभी किसी से नहीं करोगे। मैं वादा करता हूं ऐसा ही होगा। हाँ, ये क्या? क्या ये सच है? हाँ, अब डर कर भागना मत, वरना बाकियों की तरह तुम्हें भी जेल में रहना पड़ेगा। नहीं नहीं भागूंगा, मैं यही हूँ। ठीक है, जाओ और हमारे लिए एक विग बनाओ जिससे हमारे कान छुप जाएं। राजा के हुक्म के मुताबिक ब्रायन ने एक गोल्ड विग तैयार करके राजा को सौंप दी। ये लो 10,000 सोने के सिक्के, और इस बात का जिक्र कभी किसी से मत करना। जब ब्रायन अपने घर पहुंचा, महाराज ने आपको क्यों बुलवाया था? देखो, मुझसे कोई सवाल मत पूछना, ब्रायन ने अपनी पत्नी से कहा। मुझे महाराज का एक ऐसा राज पता है जिसका जिक्र मैं किसी से नहीं कर सकता, पर ये बात मुझे पच नहीं रही। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक तरकीब है। अपनी पत्नी की तरकीब के मुताबिक ब्रायन जंगल में गया और चिल्लाकर उसने वो राज एक पेड़ को बताया। हमारे महाराज के कान गधे के हैं। और तब से ब्रायन को तसल्ली हो गई। कुछ दिनों के बाद एक लकड़हारे ने राजा के जन्मदिन के लिए एक ड्रम बनाने के लिए उसी पेड़ को काट दिया। और राजा के जन्मदिन पर जब सभी लोग महल में मौजूद थे, तो ड्रमर ने वही ड्रम बजा दिया जो उसी पेड़ के तने से बना था जिसे ब्रायन ने वो राज बताया था। और महाराज के कान गधे के हैं, महाराज के कान गधे के हैं, महाराज के कान गधे के हैं, महाराज के कान गधे के हैं। राजा ये सुनकर चौंका तो उसका मुकुट गिर गया।
और फिर वो वहां से भागकर जंगल चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। और जब उसे ये एहसास हुआ कि बुद्धि खूबसूरती से बड़ी होती है, उसके गधे के कान गायब हो गए। एक लंबे अरसे के बाद राजा के मंत्री उसे जंगल से ढूंढकर फिर से अपने राज्य में ले आए। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? राजा मार्कस अपनी नादानी की वजह से एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, लेकिन उस छोटे से फेरी बॉय ने राजा को एक सबक सिखाया कि बुद्धि खूबसूरती से ज्यादा जरूरी होती है। बहुत ही पुराने समय की बात है, रहस्यों के जमाने में दूर दराज के एक राज्य में एक राजकुमार रहता था। एक दिन राजकुमार अपने महल के छज्जे से बाहर देख रहा था। सैर सपाटे के लिए कितना सुहाना दिन है, मुझे अभी महल के बाहर जाना चाहिए। राजकुमार के कहकर घोड़े पर सवार होके निकल पड़ा। वो सूरजमुखी के खेतों के बीच से गुजरते हुए कुदरत की खूबसूरती का दीवाना हो गया। कितना सुंदर नजारा है, मुझे यहाँ एक झपकी ले लेनी चाहिए। राजकुमार एक झपकी लेने नीचे उतरा और बहुत जल्द उसे नींद आ गई। वो सीधा तब जागा जब सूरज डूबने वाला था। और जैसे ही वो वहां से रवाना होने वाला था, वहां एक खूबसूरत लड़की आ गई। राजकुमार को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। और फिर मुझसे शादी करोगी? राजकुमार ने लड़की से पूछा। मैं करूंगी, पर मेरी तीन शर्तें हैं। नंबर एक, तुम्हें रहना होगा मेरे साथ मेरे घर पर, सूरजमुखी के खेत के पास। नंबर दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी सूरज डूबने से लेकर उगने तक, हर रोज। नंबर तीन, तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे कि मैं कहाँ जाती हूँ दिन होने पर। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। राजकुमार और उस लड़की की शादी हो गई और वो दोनों लड़की के घर पर रहने लगे। एक दिन सूरज उगते वक्त जब लड़की घर से जा रही थी, राजकुमार ने उसका पीछा किया। राजकुमार ने लड़की को गायब होते सुनहरे धुएं में बदलते देखा। लगता है वो किसी मुसीबत में है। राजकुमार कुछ देर तक खेतों में चलता रहा, कुछ देर सोच विचार किया और फिर उसने एक सूरजमुखी को तोड़ लिया और जादू से वो फूल उसकी रानी में बदल गया। सुनिए, आपने मुझे एक पुराने श्राप से आजाद करा दिया। मुझे इसके बारे में बताने की इजाजत भी नहीं थी,
आपने सही सूरजमुखी कैसे पहचाना? सभी सूरजमुखी फूलों पर ओस की बूंदें थीं, क्योंकि वो रात भर बाहर थे, पर तुम पर नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ घर के अंदर थीं। और इस तरह उसने अपनी अक्लमंदी से अपनी पत्नी को बचा लिया और वो हमेशा हमेशा के लिए साथ में खुश रहे। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कि राजकुमार ने सही वक्त में अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और अपनी पत्नी को बचा लिया। तो अगर आप भी सही समय पर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। बहुत पुराने समय की बात है, हमारे दादा और परदादा के समय से भी पहले की। एक महान राजा था जिसने आंध्र पर राज किया। राजा अपनी प्रजा के लिए बहुत ही दयालु और खुले दिल का था और उसका राज इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा गया। लेकिन राजा को ईश्वर के होने पे यकीन न था। एक दिन दो लोग राजा के दरबार में हाजिर हुए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आप दोनों का स्वागत है, कौन हैं आप? मैं हूँ आचार्य और ये है मेरा भाई अत्रिया। कहो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? महाराज, हम माफी चाहते हैं, लेकिन हम आपके राज्य से नहीं हैं। महाराज, हम पड़ोसी देश के व्यापारी हैं और हमने एक सौदे में अपना सब कुछ गंवा दिया। हमने आपकी उदारता के किस्से सुने हैं। अब आप ही हमें बचा सकते हैं महाराज। बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं। सिपाहियों, इन दोनों को 10,000 सोने के सिक्के दिए जाएं। सिपाहियों ने हुक्म माना। कोई ना दे तो महाराज देते हैं। महाराज साक्षात ईश्वर का ही रूप है। जब कोई मदद नहीं करता तब ईश्वर करता है, जब कोई मदद नहीं करता तब ईश्वर करता है। उनके वहां से जाने के बाद भी आथ्रिया की आवाज राजा के कानों में गूंजती रही और वो क्रोधित हो गए। राजा ने आथ्रिया की आस्था को परखने का फैसला किया। सिपाहियों, महल के पीछे एक वीरान सड़क पर सोने से भरा एक थैला रखो। उन दोनों से कहो कि सड़क के दूसरे छोर पर मुझसे मिले। ध्यान रहे कि आचार्य आगे रहे ताकि उसे आथ्रिया से पहले ही सोना मिल जाए। आथ्रिया की समझ में आ जाएगा कि सब कुछ हमारी मर्जी से होता है, ना कि ईश्वर की। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। कितनी अच्छी सड़क है, मैं तो आंखें बंद करके भी चल सकता हूं। आचार्य आंखें बंद करके चलता गया और उसने सोने के थैले को पार कर लिया। लेकिन आत्रिया जो उसके पीछे चल रहा था, उसकी नजरें उस थैले पर पड़ गईं। ये देखकर राजा चौंक उठा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। उसकी किस्मत अच्छी होगी। एक आखिरी बार फिर से आजमाता हूं। राजा ने आचार्य को हीरे जवाहरात से भरा एक कद्दू दिया और उसे घर ले जाने को कहा। अगले दिन सुनो आचार्य, हमने जो कद्दू दिया उसमें तुम्हें कुछ मिला क्या? महाराज, मैंने रास्ते में वो कद्दू एक सब्जी वाले को बेच दिया और मुझे बदले में सिक्के मिल गए। लेकिन महाराज,
कल मैंने एक सब्जी वाले से कद्दू खरीदा और उस कद्दू में ढेर सारे कीमती हीरे जवाहरात थे। ईश्वर ने मुझ पर कृपा की, एक बार नहीं बल्कि दो बार। ये सुनकर राजा का भरम टूटा और वो मानने लगा कि ईश्वर का अस्तित्व है। हाँ, ईश्वर ही सब कुछ देता है। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? राजा कहानी में हालांकि बहुत ही दयालु और बहुत दयावान था, लेकिन वो ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करता था। लेकिन अंत में वो जान गया कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा के संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।